हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019 की पांच सबसे खूबसूरत भारत की महिलाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस लिस्ट की पहली महिला के बारे में, जिनका नाम है आलिया भट्ट। दोस्तों, इनका जन्म 15 मार्च 1993 में मुंबई में हुआ था। दोस्तों, इनकी हाइट 1.6 मीटर है। दोस्तों, पेशे से यह एक अभिनेत्री है। दोस्तों, यह राजी, गली बॉय जैसी सफल पिक्चरों में काम कर चुकी है। हाल ही में इनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई है। दोस्तों, यह बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मुकेश भट्ट की बेटी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में। दोस्तों, इनका नाम है अनुष्का शर्मा। दोस्तों, इनका जन्म 1 मई 1988 में अयोध्या में हुआ था। इनका हाइट 1.75 मीटर है। पेशे से यह भी अभिनेत्री हैं। हाल ही में इनकी मूवी जीरो रिलीज हुई थी, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। दोस्तों, यह भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली की पत्नी है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर में आती है मानुषी चिल्लर। दोस्तों, इनका जन्म 14 मई 1997 में सोनीपत में हुआ था। इनकी हाइट 1.75 मीटर है। पेशे से यह मॉडल है। दोस्तों, हाल ही में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था, जो काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय था। दोस्तों, मानुषी चिल्लर एक मेडिकल स्टूडेंट है, जो MBBS करके डॉक्टर बन चुकी थी। दोस्तों, इस लिस्ट के चौथे नंबर पर है कृति सैनन। दोस्तों, इनका जन्म 27 जुलाई 1990 में न्यू दिल्ली में हुआ था। इनकी हाइट 1.73 मीटर है। पेशे से यह मॉडल और एक्टर हैं। हाल ही में इनकी मूवी लुका छुपी रिलीज हुई थी, जो काफ़ी सफल साबित हुई है। दोस्तों, यह दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों, हीरोपंती मूवी से इनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था। दोस्तों, वो भी काफ़ी सफल मूवी साबित हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट के पांचवें नंबर पर है दिशा पाटनी। इनका जन्म 27 जुलाई 1995 को बरेली में हुआ था। इनकी हाइट 1.7 मीटर है। पेशे से यह एक्टर और मॉडल है। इनकी फिल्म भारत अभी अभी ईद में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, यह बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, साथ ही यह कैल्विन गर्ल के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यह उनके प्रोडक्ट्स का प्रचार करती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।